हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा। ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन। आप पहली बार यहाँ खाने आए हैं इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग। तो क्या सभी मेज के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं? जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है। दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है? देखिए, मेरी सलाह लीजिए। ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है? ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय बाय। बैरा। यस मैडम, कमिंग। क्या खाइएगा? मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ। ओके मैडम। बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद। हेलो सर। यस मैडम। शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है। मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी। थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं। मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा। तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी। ओह, वंडरफुल वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके। ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी। यस। खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें। बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मेनू भिजवा दूंगी और शाम के मेनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ? मेज
बारह। तो 12 यह, एक आपके लिए और 2 फालतू, कुल 15 मेनू कार्ड, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुता रहता है। काश काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती, तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। जाने दो मुझे, मत रखो साहब प्लीज, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वॉल्टर, सारा अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया। अब इस तरह रोने से क्या होगा वॉल्टर, हिम्मत न थारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो। क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वॉल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो। मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं। देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। कहो। देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूँगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे मिलेंगे। लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुम से अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता। वॉल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, सिर्फ 10 महीने की तो बात है। हा? और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी। 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है। लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर। और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे। सारा। वॉल्टर। आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वॉल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा वॉल्टर। आपने बुलवाया था मुझे? यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। देखिए अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी। जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वॉल्टर। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं? बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है
हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। जी, किसे? ओ, माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ, तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे? जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है। तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू, पनीर। ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वॉल्टर, कल जरूर आ जाना। वॉल्टर, तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वॉल्टर, कल जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। मेम साहब, आपका खाना रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे। जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ। बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए। नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी। ओके, जैसा आप कहोगे। ओह वॉल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वॉल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मन पसंद सब्जी खाते। वॉल्टर, कौन है? सारा। वॉल्टर, ओह वॉल्टर, तुम सच ही वॉल्टर हो ना? बेरा, बेरा। यस मैडम। उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ। ओके मैडम। सारा। वॉल्टर, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो? वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था। नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ। हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था। साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है। लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया? लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो। क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वॉल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।